नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए जानते हैं आज हम सभी स्वस्थ रहने के लिए कुछ एक बहुत ही आसान सी होममेड रेमेडीज के बारे में, जो आप सभी के लिए फायदेमंद हो। प्रतिदिन रात के समय कुछ दिन इसे सेवन करते रहने से फुंसियाँ, दाने और मुहासे इत्यादि नहीं निकलते हैं। फुंसियों पर हरड़ पीस करके लेप करने से वे ठीक हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे हरड़ की। हरड़ को अगर आप कुछ दिन तक लगातार सेवन करते हैं या फुंसियों पर लगाते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। बल एवं बुद्धि बढ़ाने के लिए या मूत्र साफ लाने के लिए हरड़ प्रतिदिन भोजन के साथ खाना चाहिए। भोजन पचाने के लिए एवं जुकाम, फ्लू, वात एवं कफ विकार में इसे भोजन के साथ खाना बहुत ही लाभकारी रहता है। हरड़ चबा करके खाने से भूख बढ़ती है। हरड़ पीस करके चूर्ण खाने से पेट साफ होता है। हरड़ उबाल करके भाप में पका करके खाने से दस्त बंद होते हैं और मल बंद करके आता है। हरड़ भून करके खाने से वात, पित्त और कफ यानी कि त्रिदोषों को दूर कर सकते हैं। नमक के साथ हरड़ कफ को, शक्कर के साथ पित्त को और घी के साथ सेवन करने से वात विकार को नष्ट करती है तथा इसे गुड़ के साथ सेवन करने से त्रिदोष यानी कि वात, पित्त एवं कफ या समस्त रोगों को दूर करती है। अर्श, बवासीर, अजीर्ण, गुल्म, वात, रक्त तथा शोथ में हरड़ का चूर्ण गुड़ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। हरड़ के प्रयोग से कायाकल्प के समान लाभ प्राप्त करने के लिए आप इन प्रयोगों को करें। वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ करें इसका प्रयोग। शरद ऋतु में शर्करा के साथ करें। हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ प्रयोग करें। शिशिर ऋतु में पिपली के साथ करें। बसंत ऋतु में मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरड़ के चूर्ण का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। विषम ज्वर में मधु के साथ अम्लपित्त, रक्तपित्त एवं जीर्ण ज्वर में मुनक्के के साथ, श्लीपद यानी कि फाइलेरिया, दाद, खाज एवं पांडु रोग में गौमूत्र के साथ और आमवात एवं आंत्रवृद्धि यानी कि हार्निया और वृषण वृद्धि में अरंड के तेल के साथ सेवन करना लाभकारी होता है। इसकी मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक होनी चाहिए। कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। दुर्बल, थके, पतले, व्रत उपवास वाले, गर्म प्रकृति वाले एवं गर्भवती महिलाओं इत्यादि को हरड़ का सेवन सावधानी पूर्वक कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी शरीर की प्रकृति जान लेनी चाहिए। 1 ग्लास यानी कि 300 ग्राम जल में 3 चम्मच त्रिफला का मोटा मोटा कूटा हुआ चूर्ण डाल करके रात्रि के समय भिंगो दें। प्रातःकाल चूर्ण सहित इस जल को 2 मिनट तक उबालें। इस त्रिफला की चाय को छान करके पीने लायक गर्म रहने पर पी जाएं। मीठे के लिए इसमें शहद या मिश्री मिला सकते हैं। इस प्रयोग के साथ यदि सात्विक भोजन किया जाए तो जीवन पर्यंत चिकित्सकों और औषधि प्रयोगों के चक्कर से मुक्त रह करके आप निरोग रहकर अपना स्वस्थ कायम रख सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी और औषधियां हैं। कुछ खाने पीने की वस्तुएं अकेली तो अमृत की भांति गुणकार होती हैं, किंतु अन्य हितकारी वस्तु के साथ मिल जाने पर वह विष के समान कार्य करती हैं। इसी प्रकार से कुछ द्रव्य अथवा वस्तुएं आपस में मिलजुल करके गुण विरुद्ध कुछ द्रव्य संयोजक या संयोग विरुद्ध कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध कुछ द्रव्य देशकाल विरुद्ध और कुछ मात्रा इत्यादि से विरुद्ध होते हैं। गुण विरुद्ध जैसे आप सभी सुने होंगे मछली और दूध का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, आपको कुष्ठ रोग होने का भय रहता है। इसी प्रकार से संयोग विरुद्ध जैसे दूध और मूली एवं संस्कार विरुद्ध जैसे कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखा हुआ घी और काल विरुद्ध जैसे शीतकाल में शीतल और रूखी वस्तुओं का सेवन अथवा रात्रि में सत्तू का सेवन ये नुकसानदायक होता है। परस्पर विरोधी खाने पीने के पदार्थों के प्रयोग से बचे रहकर अनेकानेक रोगों से सहज ही सुरक्षा बचाव रखा जा सकता है। हम आप सभी के लिए इसीलिए ये सभी जानकारियां लेकर के आते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आइए अगले एपिसोड के तरफ, जब हम आएंगे आप सभी के लिए तो उसमें कुछ और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आप सभी से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।